लगातार हंगामे की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी से लगे ग्राम पंचायत हसौद में पोलिंग बूथ क्रमांक 122 में सामने आया है, जहां मतदान के दौरान प्रत्याशी ने चुनाव चिन्ह बदले जाने का आरोप लगाया है। इस वजह से करीब 1.5 घंटे तक मतदान रोका गया है। पंच प्रत्याशी ने निर्वाचन में लगे बड़े अधिकारियों पर इस षड्यंत्र में साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत पर पहुंचे अधिकारियों ने समाधान नहीं किया, उल्टा उसे जेल भेजने की धमकी दी। सारा इसमें बता रहा है पार्टी ऐसा करके, तो उसी में वो अभी आपको जो लिस्ट मिला है वो कहाँ से आया है? वो तो वहाँ से आरोप मिला है ना, तहसील से चुनाव आयोग से आरंभ से प्रावधान पैदा हुआ था कि उसको या तो वो पंच पद को रिक्त रख दिया जाए या कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। बाद में जहाँ जहाँ भी भीड़ भाड़ देखते हैं हम लोग आते हैं, मंदिर हसौद कन्याशाला में भी बूथ में भीड़ भाड़ है, तो यहाँ आए हैं और अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश के स्वप्न